तारीख 16 नवंबर 1957 की सुबह। प्लेनफील्ड हार्डवेयर स्टोर की मालिक बर्निस वार्डन, जो कि 58 साल की महिला थी, अचानक से गायब हो जाती है। एक प्लेनफील्ड निवासी ने बताया कि लगभग रात के 9:30 बजे हार्डवेयर दुकान के ट्रक को दुकान के पीछे के रास्ते से बाहर जाते हुए देखा था। हार्डवेयर स्टोर पूरे दिन बंद था। कुछ क्षेत्र के निवासियों का मानना था कि हिरण की शिकार के कारण स्टोर को पूरे दिन बंद रखा गया था। बर्निस वार्डन, जो पूरे दिन लापता थी, उनके बेटे डेप्यूटी शेरिफ फ्रैंक वार्डन ने लगभग 5:00 बजे स्टोर के कैश रजिस्टर को खुले पाया, जैसे कि किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ की हो, और फर्श पे खून के धब्बे थे। फ्रैंक वार्डन ने जांचकर्ताओं को बताया कि एडगिन महिला के गायब होने से पहले स्टोर में था और वो अगली सुबह एंटी फ्रीज गैलन लेने के लिए स्टोर में वापस आया था। उसे एंटी फ्रीजर इसलिए चाहिए था ताकि सर्दी के मौसम में लाश जमकर कड़क ना हो जाए। पुलिस ने फौरन एडगिन को ढूंढना शुरू किया और उसी दिन शाम को एडगिन को वेस्ट प्लेनफील्ड के एक किराना स्टोर से गिरफ्तार कर लिया। लैक्रोस काउंटी के शेरिफ के विभाग ने एडगिन के फार्म हाउस की खोज की। संदेह होने पर पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली। जब वो उसके घर के अंदर दाखिल हुए तो घर का नज़ारा दिल दहला देने वाला था। तो दोस्तों, ऐसा क्या देखा था उन्होंने, कौन था एडगिन और क्या हुआ था बर्निस वार्डन के साथ, इस वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसे नर पिशाच कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो चलिए, बिना टाइम मिस करे हम शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। एडविन थियोडोर गीन का जन्म 27 अगस्त 1906 को लैक्रोस काउंटी में हुआ था। उसके डैड का नाम था जॉर्ज और मॉम का नाम था ऑगस्टा। गीन का एक 5 साल बड़ा भाई भी था जिसका नाम था हेनरी। गीन के फादर एक अल्कोहलिक थे और वो किसी भी नौकरी पर ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते थे, इसीलिए उसकी मॉम भी उसके डैड से नफरत करती थी। कुछ सालों के बाद वे प्लेनफील्ड नाम के एक शहर में आकर रहने लगते हैं और वहाँ का एक फार्म उनका घर होता है और आगे चलकर वही उनका परमानेंट रेसिडेंस भी बनता है। गीन की माँ ऑगस्टा काफ़ी पैशनेटली रिलीजियस थी। वो ना तो अपने बच्चों को कहीं बाहर जाने देती और ना ही किसी से मिलने देती थी। वो दोनों भाई सिर्फ स्कूल जाते और स्कूल से सीधा घर। इसके अलावा उनको कुछ भी अलाउड नहीं था। उन्हें दोस्त बनाने की परमिशन भी नहीं थी। अगर वे ऐसा करते तो ऑगस्टा उन्हें बहुत मारती। ऐसा कहा जाता है कि गीन अपने बचपन से ही थोड़ा सा अजीब था। वो स्कूल में बैठा बिना बात के हंसता रहता था। घर पर वो सिर्फ अपने फार्म पर काम करता और हर दोपहर को ऑगस्टा उनको प्रीच करती थी और उन्हें काफ़ी कुछ बताया करती थी, जैसे कि हर एक औरत धोखेबाज है और अगर उन्होंने किसी भी औरत के साथ रिश्ता बनाया तो वो नरक में जाएंगे, क्योंकि औरतें शैतान का हथियार है सिवाय उनकी माँ के। वो बाकी औरतों जैसी नहीं है क्योंकि वो काफ़ी धार्मिक है, ऐसा वो उन्हें बताया करती थी। अब ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गीन के क्राइम में उसके बचपन का काफ़ी बड़ा हाथ है। खैर, ये सब ऐसे ही चलता रहा और 1 अप्रैल 1940 को गीन के फादर की हार्ट फेलियर से मौत हो गई। तब उन भाइयों की उम्र सिर्फ 30 साल थी। अपना गुजारा करने के लिए अब वो छोटे मोटे काम करने लगते हैं। वो दोनों ही काफ़ी हार्ड वर्किंग थे, पूरा शहर उनकी तारीफ करता था। गीन फेमस था अपनी बेबी सिटिंग के लिए। वो किसी बड़े से इतनी बात नहीं करता था जितनी वो एक बच्चे से कर लेता था। इसी बीच हेनरी डेट करने लगा था एक लोकल औरत को, लेकिन वो ये जानता था कि उसकी मॉम कभी भी राज़ी नहीं होगी। वो बचपन से उन्हें सिखा रही है कि औरतों से दूर रहो। हेनरी गीन से इस बारे में बात करता है और वो ये बात सुन के काफ़ी दुखी हुआ था, क्योंकि वो अपनी माँ से पूरी तरह अटैच था और वो उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन सकता था, भले ही बोलने वाला उसका अपना बड़ा भाई क्यों ना हो। एक दिन अचानक उसके फार्म में आग लग गई। फायरमैन आए और आग बुझा के चले गए। उनके जाने के बाद गीन ने फ़ोन करके बताया कि उसका भाई मिसिंग है। पूरे फार्म को छान लेने के बाद उन्हें हेनरी की लाश ज़मीन पर पड़ी मिलती है और उसका मुंह ज़मीन की तरफ था और लोगों का कहना था कि हेनरी के सिर पर चोटों के निशान थे, लेकिन उसकी मौत सफोकेशन की वजह से हुई थी, यानी कि वो आग के धुएं से मरा था। लेकिन आज भी लोगों का मानना है कि उसे गीन ने मारा था, क्योंकि वो अपनी माँ के बताए रास्तों पर नहीं चल रहा था। अब सिर्फ गीन और उसकी माँ बचे थे, लेकिन कुछ समय बाद ऑगस्टा भी एक स्ट्रोक के कारण पैरालाइज हो गई थी। अब गीन उसका ख्याल रखता था और वो अब भी खुश था,
क्योंकि उसकी मॉम ही उसकी सब कुछ थी। लेकिन एक साल बाद वो भी मर गई। तब एड पूरी तरह से टूट गया क्योंकि अब वो एकदम अकेला हो गया था, और यही वो पॉइंट था जहाँ से उसकी दिमागी हालत बिगड़नी शुरू हुई। उसने अपनी माँ के रूम को बिल्कुल वैसे ही रखा था जैसा वो पहले था, यानी कि उसने कुछ भी नहीं छेड़ा था। भले ही उसका घर गंदा हो जाए, लेकिन वो अपनी मॉम के रूम को एकदम साफ रखता था। इसी बीच उसका इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गया था कैनिबल्स और नाजीज में, और वो एक कारीगर तो था ही। वो ऐसे छोटे मोटे काम करता रहा। ऐसे ही कई साल बीत गए, और इन सब सालों में गीन काफ़ी कुछ हॉरिफाइंग कर रहा था, और किसी को भी इस बात की खबर तक नहीं लगी। अब आते हैं बर्निस बॉर्डन की कहानी पे। जब पुलिस वाले गीन के घर गए तो उन्हें पता चला कि हॉरर का असली मतलब क्या है। उन्हें ज़्यादा कुछ ढूंढना ही नहीं पड़ा। एक शेड के नीचे उन्हें बर्निस की बॉडी उल्टी टंगी हुई मिली, जिसके अंदर के सारे ऑर्गन्स निकाले हुए थे बिल्कुल किसी वहशी की तरह, और उसका सिर भी गायब था। बाद में उसका सिर एक बोरे में मिला था। गीन ने पहले उसे एक राइफल से शूट किया था, फिर उसे यहाँ पर ले आया। जिन पुलिस ऑफिसर्स ने ये सब देखा था वे सब वहीं उल्टियाँ करने लगे थे, और महीनों तक उन्हें नींद नहीं आई। किचन में उन्हें बर्निस का दिल भी मिला, जिसे वो पकाकर खाने वाला था, क्योंकि वह एक कैनिबल भी था। लेकिन ये तो बस शुरुआत है दोस्तों। उसका घर ढंग से चेक करने पर उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ें मिली जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाती। उसके घर में इतने सारे इंसानों की ढेर सारी हड्डियाँ और हड्डियों से बना सामान, एक वेस्ट बास्केट जो ह्यूमन स्किन से बनी थी, कई सारी चेयर्स जिन्हें इंसानों की खाल से कवर किया था, उसके बेड पर इंसान के स्कल्स थे और उन स्कल्स के ऊपर का हिस्सा नहीं था, उन्हें एक बाउल की तरह बनाया हुआ था और वो उनमें सूप पिया करता था। पैरों की स्किन से बनी लेगिंग्स, फीमेल टॉर्सो से बना एक पूरा का पूरा सूट, और ढेर सारे फीमेल मास्क जो कि असली चेहरों से उतारे हुए थे। वहाँ पर गीन की एक और विक्टिम मैरी होगन का स्कल और फेस मास्क भी मिला था। वो इतना ज़्यादा असली था कि पुलिस ने उसे देखते ही पहचान लिया, जबकि मैरी को गीन ने 1954 में मारा था। औरतों के बॉडी पार्ट से वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस था। वहाँ एक शू बॉक्स में 9 वोल्वा थी, और जिसमें से 2 15 साल से भी छोटी लड़कियों की थी, और 2 लिप्स भी थे, और एक लैम्प शेड भी था जो ह्यूमन फेस स्किन से बना हुआ था। इन सब चीज़ों की फ़ोटो को एज अ एविडेंस लिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें डिस्पोज कर दिया गया था। अब आप लोग खुद ही सोचिए कि उन पुलिस वालों पर क्या बीती होगी और कैसे उन्होंने बाकी की ज़िंदगी गुजारी होगी। वो घर किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जो शेरिफ इस केस पर काम कर रहा था, गीन के ट्रायल से पहले उसकी डेथ हो गई थी। उसके साथियों का कहना था कि गीन के घर की तलाशी लेने के बाद वो शॉक में था। वो भी गीन का एक विक्टिम ही था। गीन ने उसे भी बुचर कर दिया था। अब दोस्तों, गीन ने वो सब चीज़ें मर्डर करके नहीं बनाई थी। उसने कबूल किया था कि उसने सिर्फ 2 ही मर्डर किए थे, एक मैरी होगन का और दूसरा बर्निस वार्डन का। इसके अलावा वो अपने लोकल ग्रेवयार्ड से लाशें चुराया करता था। 9 चोरियां उसने कबूल की। उसने बताया था कि वो अपनी माँ की उम्र की औरतों की बॉडीज चुराया करता था और फिर उनसे ये सब चीज़ें बनाता था, और जो पार्ट्स उसके काम के नहीं होते थे वो उन्हें वापस ग्रेवयार्ड में दफना दिया करता था। अब पुलिस को कैसे पता चला कि उसने 9 बॉडीज चुराई थी? क्योंकि गीन ने उन्हें वो 9 कब्रें दिखाई थी। ऑगस्टा की डेथ के बाद से ही गीन एक वुमेन सूट बनाने में लग गया था, जिसे पहन के वो अपनी माँ बन जाया करता था। लोग कहते हैं कि गीन हर रात उस सूट को पहनकर डांस किया करता था। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी माँ बन पाए, क्योंकि उसके लिए सिर्फ उसकी माँ ही परफेक्ट थी। पुलिस के मुताबिक उसके घर में कुछ मास्क तो इतने वेल प्रिजर्व थे कि आप देखकर ही उस औरत का नाम बता सकते हो जिसका वो चेहरा था। अब गीन ने सिर्फ 2 मर्डर्स किए थे, फिर भी उसे सीरियल किलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि विस्कॉन्सिन से और भी लोग गायब हुए थे, और पुलिस को शक था कि यह सब गीन का ही काम है। अब जो कुछ वो बता रहा था सिर्फ उस पर तो यकीन नहीं किया जा सकता है। उसने 2 मर्डर किए थे, लेकिन उस पर सिर्फ बर्निस के मर्डर का ही ट्रायल चला था। अब यह ट्रायल ऐसे ही चलता रहा क्योंकि वो मेंटली अनफिट था। गीन का कहना था कि उसने बर्निस को जानबूझकर नहीं मारा है, वो गन को टेस्ट कर रहा था तभी अचानक से गोली चल गई और बर्निस मर गई। अब ये तो हादसा हो सकता है, लेकिन बर्निस की बॉडी की जो हालत उसने की थी, क्या वो भी एक्सीडेंट था? खैर, इतना लंबा ट्रायल चलने के बाद उसे दोषी तो पाया गया, लेकिन वो लीगली इंसेंट था, इसलिए बाकी की ज़िंदगी उसने एक मेंटल हॉस्पिटल में गुजारी थी। इसी बीच गीन के घर में भी आग लग गई थी, और शायद किसी ने यह जानबूझकर किया था। ये खबर सुनकर वो और ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वही उसकी माँ की आखिरी निशानी जो थी। 26 जुलाई 1977 को लंग कैंसर की वजह से एड गीन की मौत हो गई, और तब भी वो मेंटल हॉस्पिटल में ही था। उसको उसी ग्रेवयार्ड में दफनाया गया था
जिससे वो बॉडीज चुराता था। उसकी कब्र उसकी माँ के पास है। धीरे धीरे उसकी कब्र से सामान चोरी होने लगा, क्योंकि टूरिस्ट वहाँ पर आते थे और कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर चले जाते थे। आज के वक्त किसी को ये भी नहीं पता कि उसकी कब्र कौन सी है, क्योंकि उसका टूमस्टोन भी किसी ने चोरी कर लिया था। अमेरिकन पॉप कल्चर में गीन का काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। इस पर काफ़ी फिल्म्स भी बनी थी और एक नॉवल भी छपी थी। सबसे ज़्यादा हॉरीफाइंग बात तो ये थी कि जब तक वो पकड़ा नहीं गया, तब तक सबकी नज़रों में वो एक अच्छा इंसान था। गीन अपने नेबर्स को मीट भी दिया करता था और उसके मीट की काफ़ी तारीफ भी होती थी, जब तक कि उसका राज नहीं खुला था। अब सोचिए दोस्तों, जो उसके पड़ोसी रहे होंगे और जिन्होंने उससे मीट लेकर खाया होगा, उन लोगों ने क्या सोचा होगा और उनके दिल पर क्या बीती होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एड गीन के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसे ही सीरियल किलर्स की और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली नई वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं चलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।